विधानसभा चोणां नजदीक ने ते लगातार उम्मीदवारां दे वल्लों प्रचार है जो किया जा रहा। जेकर गल की जाए रणदीप सिंह नाभा दी तां उन्हां दे वल्लों चोण प्रचार है जो किया जा रहा सी, जिस दौरान उन्होंने वालों जो चोन प्रचार किया जा रहा है तो कैबिनेट मंत्री रणदीप नाभा का विरोध देखने को मिले। दस दिए कि चोन प्रचार दौरान नाभा का विरोध हुआ है, इस दे नाल ही महिला ने सरकार की कारगुजारी के उपर सवाल चुके ने, महिलावां दे वालों कारगुजारी के उपर सवाल चुके गए ने। कैबिनेट मंत्री रणदीप नाभा के नाल जुड़ी वड्डी खबर है, कैबिनेट मंत्री रणदीप सिंह नाभा का विरोध किया गया, चोन प्रचार है जो किया जा रहा है, पर महिलावां दे वल्लों जो सवाल चुके गए ने। इस नाल ही दस दिए कि चोन प्रचार किया जा रहा है नाभा दे वल्लों, तो नाभा का विरोध होया है, महिलाओं दे वल्लों विरोध किया गया है। महिलावां ने सरकार की कारगुजारी के उपर सवाल चुके ने, महिला के सवालों से गर्म होए ने रणदीप नाभा। कर मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तू नौकरी छड़ी अपा शर्त ला लेने, बोल बोल सामने में सारे कह रहे संगत चल चली अजी तेन हाथ ने 164 यूनिट दिखा दे नवे इन्वेस्ट पंजाब च। अज गोबिंदगढ़ घट्टो घट्ट साढ़े जी पुरानी लेबर से 45,000 से 92,000 लेबर है प्रवासी लेबर जी गोबिंदगढ़ जाके नवी बस दी, तो फिर यार नौकरी हूं तू कही मैं जाके देनी, तो बच्चे पढ़े लिखे जाके फैक्ट्री रोजगार हासिल कर सकते, फिर आप कितने बच्चे ने बच्चे फिर बाहर जाने मैं रुक। आ देखो आ गए सियानी गल की ने हूं मैं तुम्हें पूछना चाहना, केंद्र एक मिनट आ जवाब मैं लेना चाहना आडे माध्यम के जरिए लैंड, पंजाब सरकार ने आ कोविड सरकार कोविड के तहत तुम घर तक पीड़ित रहे, किन्ने गरीब लोगों के कनैक्शन कटे गए, बिजली के बिल कनैक्शन कटे गए कि नहीं कटे गए, पानी के कनैक्शन कटे गए कि नहीं कटे गए, और थोड़े 2 किलोवाट से बिजली के बिल सरकार ने माफ किए कि नहीं किए, 3 रुपए बिजली कटौती होकर बिल आए कि नहीं आए, हाथ खड़ा करके दिखा दो मैं दसो जो सारे बिल माफ हो। बड़ा सुखाला और तीजी गल मैं आ दसो जो 7 किलोवाट बिजली के बिल से जो माध्यम तौर से जिस तरह की देखिया कि महिला दे वल्लों किस तरह विरोध किया जा रहा रणदीप नाभा का, उन्होंने वल्लों कई सवाल ने जो चुके गए ने। फिलहाल दस दिए कि साढ़े नाल साढ़े पत्रकार मोहाली तो अरुण आहूजा फोनलाइन से जुड़ चुके हैं वधेरे जानकारी दे लई। जी अरुण, जेकर देखा जाए तो चोन प्रचार है जो उम्मीदवारों के वालों जोरों शोरों के नाल चल रहा है, तो उधर ही कैबिनेट मंत्री नाभा का जो विरोध है देखने को मिल रहा, औरत के वालों विरोध किया गया है रणदीप सिंह नाभा का। बिल्कुल देखो बेशक रणदीप सिंह नाभा ने बाद गलू टालन की कोशिश की, एक गल कह के कि बीबी यह सिखी सिखाई भेजी है, मतलब कि किसी विरोधी उन्होंने कंपीटीटर वालों सिखा के भेजी गई है उन्होंने विरोध करने लिए, परंतु सानू जिहड़ी जानकारी मिल रही है वही मिल रही है कि आम महिला सी वह पंजाब की कांग्रेस सरकार वालों जिहड़े दावे किए जा रहे थे जिहड़े जिहड़े वादे किए गए थे वह वफा ना होने करके उन्होंने मुद्दा चुकिया, पूरी सभा के चुकिया, तो जिहड़े मंत्री कृषि मंत्री ने रणदीप सिंह नाभा वो काफी मायूस दिखाई देते, बीबी जिन्ना विरोध कर रही थी तो एक तरह नाल कह सकते हैं कि मंत्री साहब नु चुप होने ते मजबूर होना पै गया, क्योंकि इलाके दे विच लोग जिहड़े बैठे थी उन्हां विच भी किते ना किते जिहड़ा पंजाब सरकार के खिलाफ रोस सीगा, सो चोणां हैगियां ने सिर ते विरोध भी होना, लोगों ने मुद्दे भी चकने ने, क्योंकि ये लीडर ज्यादातर चोन प्रचार समय जो वोटा लेने उदो इन्हों के वेड़िया जाते हैं, परंतु अगले 5 साल
जिहड़े मंत्री ने विधायक ने हल्के च ज्यादा नहीं दिखाई देंदे, सिर्फ नीह पत्थर रखण तक ही सीमित रह जांदे ने। सो इस करके लोगों ने मुद्दे चकने हैगे ने, डेमोक्रेटिक राइट हैगा लोगों का, काफी विरोध जिहड़ा उहनां नूं झलना पिया लोगों का। सो अगे भी होर थावां ते कई जगह ते उहनां दे खिलाफ प्रचार हो रहा, परंतु जिहड़ी कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है मुड़ तो सत्ता ते काबज़ होण दी, देखना होवेगा कि सत्ता ते काबज़ लोग होण देंदे ने या फिर किसी होर पार्टी नूं मौका देंदे ने। जी जी अरुण, जेकर देखिया जावे तां साफ सुनाई दे रहा है जो महिला है पंजाब सरकार दी कारगुजारी दे उपर सवाल चुकते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, देखो गल आंकड़े की हैगी है, विरोधी पार्टियां ने जिहड़ियां चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे श्रोमणी अकाली दल है या किसान अंदोलन दे विचों निकली हुई राजेवाल ते चढ़ूनी की पार्टी है, वो आंकड़े पेश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किहड़े किहड़े मैनीफेस्टो दे विच वादे किए थे, वो वादे कित्थे नहीं वफा होए। सो वो जिहड़ियां आंकड़े हैगे ने वो जिहड़े लोग इन्हां दे अगे रख रहे ने कि ये वादे कित्थे पूरे होए ने, परंतु इन्होंने दावा किया कि कोविड के समय जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सी उस समय बेशक मन्निया मंत्री ने कि उस समय मैं भी कैप्टन साहब का विरोध किया, मैं उन्हां दे खिलाफ बोलन तो भी नहीं हटिया, परंतु उस समय लोगों को सहूलत नहीं सी मिलिया, परंतु जो तो चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने ने इन्हां 111 दिनों के तीन महीनों के काम करके दिखाए ने, बिजली की दर की कटौती की है, कई किलोवाट के ज्यादा भी होर बिल कटाए है, पानी के बकाए माफ किए ने, बिजली के जिहड़े पुराने बकाए सी बिलों के वह भी माफ किए ने, तो होर काफी जिहड़े वादे किए सी वह भी पूरे करके दिखाए ने। सो उन्होंने तो दावा किया, परंतु जनता तय करेगी कि दावे कितों तक सही ने, वफा हुए ने या नहीं हुए ने। सो जनता का आवाज चुकना लाजमी हैगा। सो डिपेंड करता है कांग्रेसी कैंडीडेट ने जिहड़े दुआर हलका मलोह तो ही ने, रणदीप सिंह नाभा पहला भी उतों ही विधायक चुने गए थी ते मंत्री बने चन्नी सरकार दे विच, सो हुण उहनां दे दावे किन्ने क सही साबित होंदे ने, जनता उहनां दे हक दे विच वोट पाउंदी है या नहीं पाउंदी जनता दे हत्थ विच हैगा। सो जनता दा फर्ज बनता है उहनां नूं उहनां दी अखां खोलणा, सो जनता वो अपना काम बखूबी निभा रही है। जी जी अरुण, तमाम जानकारी दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। जिस तरह की तुसी देखिया भी है ते सुनिया भी है कि किस तरह महिला दे वलों रणदीप सिंह नाभा दा जो विरोध है किया जा रहा है, चोण प्रचार दौरान नाभा दा विरोध देखण नूं मिलिया है ते महिला दे वलों पंजाब सरकार की कारगुजारी दे उपर सवाल भी चुके गए ने। फिलहाल खबरों के बुलेटिन इन्ना ही, तो मैं मनिंदर कौर नूं दो इजाजत, बने रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के नाल। सत श्री अकाल, धन्यवाद।